दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक युवक ने अपनी मां के प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान नाजिम के रूप में हुई है। हत्या करने के बाद आरोपित पैदल ही मौके से फरार हो गया। आरोपित को शक था कि उसकी मां के घर के पास चाय की दुकान चलाने वाले युवक से संबंध है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव स्वजन को सौंप दिया। पुलिस हत्या का केस दर्ज कर आरोपित शाहरुख की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। नाजिम अपने परिवार के साथ मौजपुर के अशोक मोहल्ला में रहता था। उसकी शादी नहीं हुई थी, वह चाय की दुकान चलाता था। दुकान से कुछ ही दूरी पर शाहरुख अपने परिवार के साथ रहता है। कुछ वर्ष पहले शाहरुख के पिता की मौत हो गई थी। उसे शक था कि नाजिम और उसकी मां के बीच संबंध है। उसकी गैर मौजूदगी में वह उसके घर भी आता था। पिछले महीने शाहरुख ने इसी मामले को लेकर नाजिम को मारा पीटा भी था। आरोप है उसने उसे जान से हाथ धो बैठने की धमकी भी दी थी। वीरवार को शाहरुख किसी काम से बुलंदशहर गया था। उसके एक दोस्त ने उसे फोन करके बताया कि नाजिम उसके घर गया था। शनिवार को शाहरुख बुलंदशहर से लौटा और नाजिम को तलाश करने लगा। वह उसकी दुकान पर भी गया, लेकिन वह मिला नहीं है। रात करीब 8:30 बजे नाजिम अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी पिस्टल लेकर शाहरुख उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने नाजिम की दुकान में तोड़फोड़ की और बाद में पिस्टल से गोली मारकर पैदल फरार हो गया। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में GTB अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।